भैया जी, वो चौधरी के साथ थाने में अपना जो सिपाही है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दिया। चौधरी के बारे में कुछ खबर है? अरे नहीं नहीं भैया जी, उदय के बारे में खबर दिया। अब कब इस साले को फांसी लगा के मर गया का? नहीं नहीं भैया जी, सिपाही कह रहा था कि उदय आज शाम से ही घर से गायब है। क्या बात कर रहा? तुम सही करें भैया जी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दुलारी का कोई नया चाल हो हमको हमारा टारगेट से भटकाने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भैया जी। कहा है कि दुलारी देवी खुद चौधरी को फोन की थी कि उदय घर से गायब है। उस वक्त तो सिपाही थाने में ही मौजूद था। इसीलिए तो कह रहे हैं, दुलारी जानती है कि कल उदय को कोर्ट में गवाही देना है। उसको डर होगा कहीं हम उसको अगवा ना कर लें। इसीलिए जानबूझकर वो हमको गुमराह करने के लिए पासा फेंकी है। बुझा तुम? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो अपना आदमी आज तक कबो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। और भैया जी, बात तो आपको ही मालूम। दुलारी जानबूझ के हमारा ध्यान वहां से हटाना चाहती है ताकि उदय को सही सलामत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दे। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये बात तुम भी अच्छा जान रहे। विजया, का बतिया बता रहा तू लोग दुलारी के बारे में? अपन विजय पता का भरा देवे चाहिए। क्या बेटा, क्या पढ़ो इतनी तल्लीनता से? पब्लिक का आर्टिकल है संयुक्त परिवार के टूटने की वजह पर। राइटर ने कमाल का एनालाइज किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पीएसएन सिन्हा का लेख है ना? जी। अरे बड़ी गहरी दृष्टि है उनकी और चीजों को प्रेजेंट करने का नजरिया भी बहुत ही ओरिजिनल। सही कह रहे हैं आप, एक एक लाइन पढ़ते हुए लग रहा है। ठीक है बेटा, पढ़ना बाद में, चलो खाना खा लिया जाए। पापा बस थोड़ा सा रह गया, बस मैं वो पढ़ करके तुरंत आता हूँ। ठीक है बेटा। जी। क्या बनाया इन्होंने? देख ले, क्या लेके जाओ? कैसी सब्जी है? वो कुछ भी नहीं है। आइसक्रीम देखती हूँ। चंदा तो बड़े काम की चीज है। वो देखो खीर कितनी पसंद है ना। लेकिन ये क्या, इसमें तो काजू किशमिश है। वो कहाँ रख देते हैं? कोई चीज सही जगह पे है ही नहीं। सही कर रही हूँ। आज अगर मेरी उदय के साथ शादी हो गई होती तो मैं ये उसके लिए बना रही होती। इन सब की वजह से आज के मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। अरे मेघा आओ बैठ। हाँ बेटी आओ बैठो। खाना लगा। अचानक मेघा में इतना बदलाव, इतनी खुशी, इसका ऐसा खिला हुआ चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। Thank you.
चावल बाद में ले लें। बैठो बेटा, आज हम तीनों एक ही साथ खाना खाएंगे। पापा, मैं आपके सामने कैसे खाना खा सकती हूँ? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। देखा तुमने मेघा कैसे बदल रही है? हाँ? आज उसने अपने हाथों से हमारा खाना लगाया है। जी बाबा। और एक बात नोटिस की तुमने? वो मेरे सामने खाना खाने नहीं बैठी, मेरा लिहाज कर अपना खाना लेकर अंदर चली गई। अब उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। गुड साइन। जी बाबूजी, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। कुछ कुछ क्या? हाँ, अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगी है वो, समझे? जब एक लड़की अपना घर परिवार, अपना मायका छोड़कर अपने पति के घर जाती है तो बेटा वहां जाके उसे एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। जी। और तुम ये भी जानते हो कि मेघा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी भावनाओं को समझो। जी। अपने प्यार से उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेघा जल्दी सब कुछ समझने लग जाएगी। जी। कुछ भी हो, आखिर है तो इतने बड़े खानदान की लड़की। जी बाबूजी। आजकल तुम इतना खाना खाने लगी हो? ये तो लगता है जैसे दो तीन आदमियों का खाना हो। ये दो तीन आदमियों का खाना नहीं है, हम दोनों का खाना है। हम दोनों का? चलो खाना शुरू कर। नहीं, चलो खाना खा। नहीं, मैं नहीं खा रहा खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? तुम्हारे खाए बगैर मैं कैसे खाना खाऊंगी? और ये क्या भूख नहीं है? पता नहीं सुबह क्या खाया होगा। मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम खाओ ना, बस तुम खाते रहो, मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहता हूँ। अच्छा, ऐसे देखने से ना तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, समझे? मेघा, इतने दिनों बाद तुम्हें इतने पास से देख रहा हूँ। मेरे तो भूख प्यास सब कुछ यूं ही मिट गई है। बस ये करता है कि तुम ऐसे ही पास से बैठकर निहार करो। अरे तुम रुकोगे, खाओ ना। देखो, तुम अभी गेस्ट हो और मैं होस्ट हूँ, तो इस हिसाब से तुम्हें पहले खाना खाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं है यार। नहीं खाओगे? ना। ठीक है, मत खाओ। तुम खिला रही हो तुम मुझे? और ये भी टेस्ट करो ना। कैसा है? खाना तो बहुत टेस्टी है। इतनी जल्दी तुम इतना अच्छा खाना बनाना सीख गई? ये मैंने नहीं बनाया है, मैं तो इस घर में कोई काम ही नहीं करती हूँ। ये तो वो नौकरानी बना के गई है। अच्छा अच्छा वो जो मुरारी की गर्लफ्रेंड है? हाँ। उसका नाम चंदा है, बहुत ही समझदार लड़की है। समझदार तो है, तभी तो तुम्हारी चिट्ठी मुझ तक पहुँच पाई। एक बात बताओ, तुम ना उसे बैला फुसला के अपने साथ ही रखना, आगे भी हमारे काम आ सकती है। मैं सब समझ गई। तब से तो तुम बोल ही रहे हो
खाना तो खा ही नहीं रहे हो। अरे खा रहा हूँ ना, इतना तो खाया। क्या खा रहे हो तुम? कुछ नहीं खा रहे। चलो चलो खा रहे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पानी। I'm sorry। ठीक है? हाँ? ठीक है? पानी तू? नहीं नहीं ठीक है, हो गया ठीक। ये खाओ। ये क्या है? खीर। मेघा उठी, उठो। मेघा उठो, उठो, उठो। इधर आ, चलो। मेघा दरवाजा खोलो। मेघा, मेघा इतनी जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? मैं तो दरवाजा खोल ही रही थी ना। सॉरी मेघा, तुमने खाना खा लिया है? तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आऊं? नहीं, मैंने खाना खा लिया है। इट्स ओके। इंदर, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। तुम वहाँ रोज रात को सोफे पर सोते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम बाबूजी के साथ क्यों नहीं सो जाते? अगर तुम कहो तो मैं यहाँ नीचे भी चटाई डाल के सो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। इंदर, please try to understand। मैं अभी इन सब बातों के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, शायद मैं खुद को समय के साथ समझा सकूँ। तब तक have patience। It's okay, मेघा। तुम यही चाहती हो ना कि तब तक मैं बाबूजी के कमरे में सोऊं? तो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए आज मैं वहीं सोया करूंगा। थैंक यू इंदर। इट्स ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ पता चला लुदे के? ए पुतन, तू बोलत काहे नहीं के? ना दीदी, कुछ पता ना चला अभी। काहे पता ना चला? कहाँ गए लू? जमीन खा गई कि आसमान निकल गई? हमरो तो यह निखे बुझात कि कहाँ चल गए लू। इसे महाराजगंज में पूरा चप्पा चप्पा पे अपन आदमी बिछा दे ले बनी। जैसे उदय का कुछ पता चली तुरंत खबर आ जाए अपनी। हमरा तो लागत है विजयकांत के काम। वही उठाई ले बा हमरा बेटा के। वो इतना बड़का हो गई कि हमरा बेटा पे हाथ डाले बा। और तू लोग के कोनो खोज खबर नहीं के ओकरा। दीदी पर हमरा बुझात नहीं है विजयकांतो का है उठाई उदय के। ओकरा बहिन के तो बियाह हो गई लब। यही से तो झूठा शान बन के घूम रहल बा ना। और तू ही काहे बोलत आ रहा कि उदय बाबा के खिलाफ गवाहियों दे ले बा। और वो बाबा के छुड़ावे ला कुछो कर सकता कुछो? पुत्र, तो हमरा उदय के लाके दे। एक ओकरा के अगर कुछ हो गए ना, हम ना जी पाए ओकरा बिना। दीदी ते ऐसे बात कहे करता रही? ते सांत्रा कुछ ना उदय के, और जल्दी उदय का कुछ ना कुछ खबर मिल जाए। पता ना कौन हालत में हो हमार बेटवा। ए पुत्र, हमरा उदय हमरा के लाके दे। ते हिम्मत हरबे तो कैसे काम चली? ते भरोसा रख, घंटा दो घंटा के अंदर उदय की न्यूज आ जाए। हम लागल बने नु, अब उदय का खबर लिए कि हमें कोटरी में आए। तू जा। हे भगवान, पता ना कौन हालत में हो हमार बेटा। मैंने इंदर को उसके पापा के कमरे में सोने के लिए कहा और वो मान गया। अब तक वो लोग सो गए होंगे। मैं ना देख कर आती हूँ। प्लीज थोड़ी देर और बैठो ना यार, ऐसे एक साथ बैठे हुए कितने समय हो गए हम लोग। प्लीज थोड़ी देर बैठो ना यार। उजी, अब तक वो लोग सो चुके होंगे और यही सही समय है तुम्हारा यहाँ से निकलने के। मुझे तो सिर्फ वही वक्त सही लगता है जब जब तुम मेरे साथ होती हो। जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो ना, तो मुझे कोई वक्त सही नहीं लगता। सब कुछ बेकार लगता है, सच कह रहा हूँ। प्लीज बैठो ना यार।
ज्यादा रोमांटिक मत बनो। अगर वो लोग जाग गए ना तो तुम्हें यहीं बाथरूम के अंदर पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। अरे तो क्या हुआ, मैं पूरी रात बाथरूम के अंदर गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे सिर्फ ये एहसास होना चाहिए कि तुम यहीं आसपास कहीं मेरे को। प्लीज बैठो ना थोड़ी देर। उदीप, एक बात कहूँ? कहूँ? जितनी कमी मुझे तुम्हारी महसूस होती है, मुझे पता है तुम्हें भी मेरी कमी उतनी ही महसूस होती होगी। तुम पास में नहीं होते हो तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ दूर रहता है, बल्कि कुछ नहीं होता है मेरे पास। I don't know how do you feel, but तुम्हारे बिना सब कुछ बेमानी लगती है। इसलिए तो कह रहा हूँ, थोड़ी देर बस यूं ही बैठे रहो ना मेरे साथ। कुछ दिनों के लिए कम से कम ये यादें तुम्हारे साथ रहेंगी ना, और फिर यही यादें मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए और मजबूत करेंगी। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ना चंद लम्हे नहीं बिताना चाहती हूँ, बल्कि पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, समझे? अच्छा, बहुत देर हो गई है, आज तुम्हें जाना होगा। अगर तुम नहीं गए ना तो सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं देख कर आती हूँ। पापा, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए गर्म पानी का सेक ले रहा हूँ। ऐसे कैसे आपको दर्द होने लगा? चोट लग गई थी क्या आपको? नहीं, बाबूजी के पैर में अक्सर ये दर्द होता रहता है। अक्सर ऐसा दर्द होता है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? आपको ज्यादा दर्द हो रहा है क्या पापा? आप कहे तो मैं एम्बुलेंस को फोन करके बुला लूं या डॉक्टर के पास ले चलूं आपको? नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसा दर्द कभी कभी होता ही रहता है। अब बुढ़ापा आ गया है तो ऐसी बीमारी होती रहेगी। तुम फिक्र मत करो, इंदर है ना देखभाल के लिए, तुम जाओ, जाके सो जाओ। मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ? आपके पैर में दर्द है और... मैंने कहा ना बेटा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसी दर्द की आदत है मुझे, सब ठीक हो जाएगा। इंदर मेरी सेक कर रहा है ना, तुम जाओ, जाके आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन ऐसे बार बार दर्द होना ठीक बात नहीं है, आप प्लीज कल डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। ठीक है बेटा, कल मैं दिखला लूंगा, अब तुम जाओ आराम करो। इंदर जी, सब समय का खेल है बेटा, समय के साथ हर लड़की अपने अतीत को भुलाकर अपने घर गृहस्थी में डूबने लगती है, और तुम देखना धीरे धीरे ये भी उस लड़के को भुलाकर तुम्हारी हो जाएगी।
हमेशा के लिए। जी से नहीं जा पाओगे। क्यों? अब क्या हो गया? इंद्र के पापा के पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वो बाहर बैठे सिकाई कर रहे हैं। तो मैं आज की रात यहीं रुकनी होगी। ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यार। यहीं रुक जाता हूँ। कम से कम इसी बहाने तुमसे रात भर बैठ के बात करने का मौका तो मिलेगा। और वैसे भी अभी मेरा यहाँ से जाने का मूड नहीं कर रहा है। थैंक यू भगवान, कम से कम आपने मेरी कुछ तो सुनी। उदी, ये मजाक का टाइम नहीं है। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे मामा कितने परेशान हो रहे होंगे। अरे तो होने दो ना परेशान। मैं चाहता हूँ क्यों परेशान हो? जिस तरह से उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, होने तो परेशान होंगे। सच बताओ तो मेरे दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं बची। उठी, अगर वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकले और तुम नहीं मिले उन्हें, तो बेमतलब का महाराजगंज में हंगामा हो जाएगा। अरे तो होने तो हंगामा जो होता, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? उन्होंने आज तक हम लोग इतना परेशान किया, तो थोड़ा उनको भी परेशान होने दो ना यार। अगर उन लोगों ने हमारा साथ दिया होता ना, तो आज हम लोग एक होते, इस तरह से चुप चुप क्या नहीं मिलने होते। नहीं, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, शांत हो जाओ तुम पहले। उदीप, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, क्योंकि हम दोनों का दर्द एक ही है। पर मुझसे अब यह दर्द सहा नहीं जाता है मेघा। खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ तुम्हारे बिना यार। वो घर मुझे काटने को दौड़ता है यार। उदी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने एक चिट्ठी क्या लिख दी, तुम दौड़े चले आए। उदी, सुनो ना, मैं बहुत खुशकिस्मत जो तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला मुझे मिला। और बदनसीब हूं कि मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हो पाई। नहीं, नहीं। फिक्र मत करो मेघा, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर। सच, मैं इस दिन का इंतजार करूंगी। मान मर्यादा की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ जिससे मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। उदीप, जब तुम मुझे इस घर से अपना बना कर ले जाओगे ना, उस दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, उससे पहले नहीं। प्लीज उदीप, तुम्हारी भावना और जज्बात की कदर करता हूं। सच बताओ, मेरी नजर में आज तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है।
अब बस उस दिन का इंतजार करो जब मैं तुम्हें यहां से हमेशा हमेशा के लिए लेके जाऊं। ठीक है। थैंक यू दी। अब रात बहुत हो गई है, कल देखना कि कैसे तुम बाहर जा सको। ठीक है, दरवाजा लॉक किया ना? हाँ, मैं लाइट बंद करूँ। क्या बात है भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो रात को ठीक से सोई नहीं थी ना, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मेरी जस्ट आँख ही लगी थी कि बस तुम ना, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन भाभी, आपका चेहरा तो बहुत टेंशन में लग रहा है, लगता है आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तुम जाओ ना, अपना काम करो जाके। और सुनो, हाँ। अगर मैं दोपहर तक जाग गई ना तो मैं खाना खाने आ जाऊंगी, नहीं तो तुम खाना लेकर आ जाना। लेकिन पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर बाद में आराम कीजिएगा। अरे मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये अचानक भाभी को क्या हो गया? कुछ अजीब ढंग से बात कर रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। भैया जी, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से क्या होगा? अरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या करें, आसमान में चले जाएं कि पताल में घुस जाएं? हमारा तो खुदे दिमाग पगला गया है। भैया जी, हम उदय बाबू के बारे में नहीं, हम मालकिनी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा ना उनको। क्या समझाएं रे उनको, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए भाई। कल रात से मालकिनी के गले में एक बूंद पानी भी नहीं गया, बिना खाए पिए अगर ऐसे ही बैठी रही भूत की तरीके, तो कहीं कुछ हो ना जाए, हमको तो बड़ा डर लग रहा है। देखो, बेटा के वियोग में पगला गई है, बाकी हम कुछ करते हैं तो बैठ हमारे। दीदी, अरे दीदी, खाना पीना कहे छोड़ दिले बड़ू? हमरा के कुछ ना खाए पिए के पता नहीं। तू हमरा के भाई मान लू अपन? ऐसा बात कहे पूछा तारा तू? तो अगर भाई मान लू तो हमार क्रिया, तरह कुछ ना कुछ खाए पिए के बा, कम से कम शरबत जूस तो पी ले ना। चाहिए हम रखे। ए प्रताप, ए सुन। हाँ भैया। कुछ शरबत जूस लेके आओ दीदी के लिए। अबे ले आता नहीं, अगर ते ना पिए बनू दीदी तो हम अपने आप के गोली मार ले। सुन ले, हाँ तो मार ला अपने आप के गोली, मार ला गोली। उदय के वो सब लोग गायब कर दे, बिंदा गद्दार निकल गए, एक तू ही बचले बाड़े ना। छोड़ दे हमरा के अकेला, छोड़ दे अकेला हमरा के सब। ए,
तो कहे करते इसरे अरे दीदी अरे ते हिम्मत हार जीवे तो यहाँ बाकी सब लोग की हिम्मत खत्म हो जाई उदे आ जाई ते चुप संभाल अपने आप के ली भैया जी अले भाई जूस पी ले पी ना हमार के लिए बतोरा के पीबे कि ना ते के। ते पहले पी तो कहे दे रस तो किरिया हमरा के ते पहले पी तो अमित कुमार के फोन लगावा और इंतजार करिए उदय के पत्ते अपने आप पे संभाल कुछ ना हो उदय के चुप हो जाते हेलो अमित कुमार जी मैं पुतन बोल रहा हूँ हाँ बोलिए दीदी बात करेंगे आपसे माफ कीजिएगा अमित कुमार जी उदय गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा क्या कह रही हैं आप देखिए दुलारी जी अगर उदय बयान देने नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है उसके नहीं आने से पूरे केस का रुख बदल सकता है हम मजबूर हैं अमित जी उदय कल रात से ही गायब है हमको लगता है कि विजय कंथवा उठा लिया उसको हम तो खुद ही पगलाए हुए हैं हमारा दिमाग तनी को काबू में नहीं है आप हमारा कंडीशन समझिए हम मजबूर हैं संभाल अपने आप के क्या बात है परेशान लग रहे हैं सब ठीक तो है ना हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर गया क्या हो गया सर आज उदय की गवाही नहीं हो पाएगी क्यों सर ऐसा कैसे उदय कल रात से लापता है लगता है कि विजयकांत ने उसका किडनैप करवा लिया है विजयकांत ने मैं तो कहता हूं सर ये बहुत खतरनाक लोग हैं इनसे बच के रहने में हमारी भलाई है क्योंकि इस शहर में ये लोग कभी भी कुछ भी करा दे सकते हैं बहुत बड़े बाहुबली हैं ये लोग सर अरे कितने भी बड़े बाहुबली क्यों ना हो इस बात की चिंता नहीं है मुझे परेशानी इस बात की है कि उन्होंने हमारे सारे किए कराए हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया कितनी इंपॉर्टेंट थी आज उदय की गवाही बाबत खिलाफ सब बेकार क्या जवाब देंगे अपने सीनियर्स को अपने डिपार्टमेंट वो तो है सर छोड़ूंगा नहीं मतलब
क्या खबर है भैया? अपना तरफ से पूरा तैयारी होगी और चप्पा चप्पा पर पूरा अपना आदमी तैनात किए, उधर वो दुलारी के घर के पास में सब अपना खास आदमी लगाए जो वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी पर अपना नजर रखे, लेकिन अभी तक कोनो गाड़ी वहां से गुजरा नहीं। अब क्या बात है कोनो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज कोर्ट में उसका गवाही है, निकलेगा जरूर बब्बन लाल का औलाद। चाहे जो भी हो, उदय जिंदा कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात समझा दी हो ना? बता दी। तो सब हाँ पता करो। तो डिस्टेंस पर है, अगर चौधरी आएगा तो आ जाना। देखो दुलारी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ चौधरी जी, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है अभी यहाँ? हम बोलावनी है इनका। बैठिए। हमरा के अकेले में कोनो बात करेगी, हमनी के कोनो डिस्टर्ब ना करी, बुझला? इसन कौन बात हो गई कि अकेले में तू बतेबू चौधरी जी से? चुप कर पुतन, बहुत देख लेनी तोहार बहादुरी। पूरा रात गुजर गई, उदय का कोनो पता ना चली। अब जे करे के बा सहम करब। आई चौधरी जी। जी पुतन, तू यहां रुक। चले पड़ता है, बुझा रहा है। दीदी का बतिया ने जा रही है। क्या बताएं भैया जी, पता नहीं मलकिनी के दिमाग में क्या चल रहा है, काहे बुलाई है चौधरिया को। कुछ तो है गड़बड़, पता करना पड़ेगा। काम कर, चौधरिया के आवे दे, बाहर घेर लेते हैं। चलो आ जा हमारे साथ। चिट्ठी है चौधरी जी, विजयकांत के यहाँ पहुंचा दीजिए, उसके हाथ में। आप और विजयकांत को चिट्ठी लिख रही हैं? लेकिन काहे? ये सब मत पूछिए चौधरी जी, बस इतना ध्यान रहे कि ये चिट्ठी विजयकांत के हाथ में पहुंच जाना चाहिए। और हाँ, इसका किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, ना वहां ना यहाँ। बहुत भरोसा करके ये काम आपको दे रहे हैं। भरोसा तोड़ेंगे नहीं हम आपका, निश्चिंत रहें। जिंदगी में पहली बार जो काम करने जा रहे हैं हम, कभी सोचा भी नहीं था। पर कहा करें, मजबूर हैं हम। अपना दिल से, अपना ममता से हमको हमारा बेटा उदय चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि ये काम दुलारी देवी नहीं, एक माँ करने जा रही है अपना बेटा के लिए। अब जाइए चौधरी जी। बड़ा अजीब लग रहा है, हम जब भी यहां आते थे एक शेरनी का दहाड़ सुना करते थे, लेकिन आज आज एक माँ की आंखों में आंसू देख रहे हैं। शेरनी भी तो माँ होती है चौधरी जी, और जब उसका बच्चा तकलीफ में होता है तो उसकी दहाड़ में भी आंसू छिपा होता है। यह अलग बात है कि आपको हमारे आंसू दिखाई पड़ गए। हम इतना बार यहां आए पर आज तक आपको इतना असहाय कभी नहीं देखे। आदमी कमजोर या बलवान नहीं होता चौधरी जी, समय बलवान और कमजोर होता है। बस ये समझ लीजिए कि हम जो भी कर रहे हैं इस समय हमसे करवा रहा है। दुलारी जी, ये तो नहीं जानते कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा है, पर इतना जरूर जानते हैं कि अब नमक का हक अदा करने का समय आ गया है। तो वह कीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं,
इस चिट्ठी जल्द से जल्द विजयकांत के यहाँ पहुंचा दीजिए। बस अब हमारा इज्जत आपके हाथ में है चौधरी जी। नहीं दुलारी जी, हम इस दरबार का नमक खाए हैं और नमक हरामी का उम्मीद हमसे ना कीजिएगा। प्रणाम, चलते हैं। वो इतना देर से? अबे दो पता कर लेंगे। भैया जी वो देखिए आ गया। अरे हाँ मिलाओ फिर से। चल कहा चौधरी जी? अरे पुत्तन भाई कैसे हैं? आज चल रहा था मीटिंग उधर। कुछ नहीं बस ऐसे ही दुलारी जी से बातचीत चल रहा था। और क्या छुपा रहे हैं उधर? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। दुलारी देवी की ओर से मोटा माल मिला होगा इनको, वो है छुपा रहे हैं। चौधरी जी सच बोले ना? चुप साला नमक हराम, मलकिनी का नाम लेता है अरे पूरे देह में कोड़ पड़ेगा, पूरे देह में। वो भी आने लगे भैया जी, मतलब पक्का है कि मोटा माल मिला है। चौधरी जी दीदी मोटा माल ऐसे नहीं देगी, कुछ मोटा काम होगा। बताइएगा कि हम अपना थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करें। पुत्तन भाई दुलारी जी और हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है उसको सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है। और आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे ना तो हम अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने लायक रहिएगा तब ना। अरे क्या कर रहे हैं? और अंदर रखिए अंदर रखिए। दीपे तोप का है तान रहे लंका विजय। एक मिनट पुत्तन भाई दे दीजिए हम दुलारी जी से। चुप रहिए आप। अरे हम प्रॉमिस किए हैं दुलारी जी से, अरे किसी का तो वफादार रहने दीजिए। इस चिट्ठी को देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे जगह होते तो वही करते जो हम कर रहे हैं। उदय हमारा इकलौता बेटा है, उसके बाद हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ बचेगा उसको लेकर के भी क्या करेंगे, इसलिए हम तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारे इन दो खानदानों की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इस दुश्मनी का वजह है हमारा वर्चस्व। तुम हमारा बेटा हमको वापस कर दो, बदले में हम तुमसे माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही विनती है कि हमारा ये प्रस्ताव हमारे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। दुलारी देवी साला ही जीजा जी जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके महल बनाए थे ना, दो मिनट में दीदी खत्म करने जा रही है। कहाँ है? बुलडोजर चढ़ने जा रहा है। साला तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? वो घर की चिंता लग रही है। अब आप पढ़ तो चुके हैं, अब तो हमको दे दीजिए। चिट्ठी तो आपको हम नहीं देंगे दरोगा जी, और अगर दीदी पूछेगी ना तो आप बोल दीजिएगा कि चिट्ठी आप विजयकंतवा को दे दीजिए, आगे हम संभाल लेंगे। लेकिन आप चिट्ठी तो पढ़ चुके हैं ना, तो हमको दे दीजिए। हम सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ठोक देंगे अब। चलिए यहाँ से चलिए। लौंडियाबाज बेटा उदय के लिए हमको विजयकंतवा का कुत्ता बनाना चाहती हो, और वो भूल रही है कि हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा। क्या हुआ बोलना? क्या बात कर? छठी गेम तो कब आदमी फोन करते हैं। भैया जी हाँ क्या हुआ? कोर्ट में गवाही नहीं होगा। क्या है? लगता है डर के मारे उदय हुआ आया नहीं, और मजिस्ट्रेट साहब एक घंटा पहले ही कोर्ट से निकल लिए। उदय कोर्ट नहीं पहुंचे। लेकिन ये दुलारी का पिल्ला रह कहाँ गया? फट गया होगा सारे का, इसलिए अपने भाई के अतरे में छिप के बैठा है। मंटो हाँ भैया रेप गाड़ी ला।
जब तक उधर हाथ में नहीं आता चौकन्ना रहना जरूरी है। चलो गाड़ी आगे। ड्यूटी तुम संभाल लेना।